देखिए, फ्रॉड से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जी हाँ बिल्कुल डॉन की तरह। लेकिन इससे बचा जा सकता है कुछ छोटे छोटे टिप्स का अप्लाई करके। वो टिप्स कहाँ पे अप्लाई करना है, किधर जाना है, कहीं नहीं जाना। मजे की बात तो ये है कि वो टिप्स आपके फोन में ही है, वो सेटिंग आपके फोन में ही है, जिसको अप्लाई करके आसानी से आप मेजर बड़े फ्रॉड से काफी हद तक बच सकते हैं। आपका डेटा सेफ रह सकता है, आपके पास आए दिनों कहीं से कॉल नहीं आएगा, कोई फोटो लीक नहीं हो रही, कोई डाटा लीक नहीं होगा। वो सारी चीजें किस तरीके से करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ गलतियाँ तो हम अपनी साइड से खुद ही कर लेते हैं कि भाई आ बैल मुझे मार, तो भाई जाहिर सी बात है वो बैल आपको मारेगी ही। अब उस बैल से किस तरीके से बचना है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मेजर गलती सबसे पहले ये होती है कि हम किसी भी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेशन हमसे 4 एक्सेस मांग लेती है, हमारे फ़ोन नंबर का, हमारे गैलरी का, हमारा लोकेशन, कई सारी चीज़ें एक्सेस मांगती है। अब आपका कहना ये होगा कि भाई बिना एक्सेस के तो कोई भी एप्लीकेशन काम करेगी नहीं, हमें तो अपना काम करवाना भी है। तो उस काम को करवाने के लिए मैं आपको कुछ छोटे से छोटा टिप्स बताऊंगा, उसी टिप्स को अप्लाई करना है तो आसानी से जो आप जो एक्सेस देने वाले उससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होने वाला। दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि जो बड़ी गलती करते हैं वो गलती ये है कि हम अपने फाइनेंशियल चीज़ों को भी एक साथ ही मिला जुला के रख लेते हैं, यानी कि सेम ईमेल आईडी से हमारा इंस्टाग्राम भी चल रहा है, हमारा ट्विटर भी चल रहा है, हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, हम उससे मार्केट में स्टॉक भी परचेस कर रहे हैं, हम उससे लोन भी ले रहे हैं, और फिर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो। तो जाहिर सी बात है यार, फ्रॉड तो होना में मतलब स्वाभाविक है। आपको करना क्या है, नॉर्मली आपको 2 ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, एक जनरल काम के लिए और एक अपना वही भारी भरकम मेजर काम के लिए, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। कोशिश कीजिए आपके पास 2 फोन नंबर हो तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी 2 स्टेप वेरिफिकेशन तामझाम वो सब तो आपको मालूम ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वो टिप्स क्या है जिससे अप्लाई करके आप आसानी से अपने आप को या अपने फ़ोन को, अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं। तो आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है, एक सेटिंग होता है, एक फोल्डर होता है जिसका नाम है सिक्योरिटी फोल्डर। वो आईफोन में भी है, वो एंड्रॉयड में भी है, वो चाइना के फ़ोन में भी है, यानी मेरी बात करूँ सारे के सारे फ़ोन में होता है। अब उस सिक्योरिटी फोल्डर का यूज़ हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग करते हैं क्या, उधर अपना व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लेंगे, क्यों, ताकि कोई हमारा चैट ना देख ले। उधर अपना इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लेता, ताकि क्यों, ताकि कोई हम ये ना देख लें किसे फॉलो कर रहे हैं, हम किससे चैट कर रहे हैं, हमारी फोटोज़ कोई ना देख ले। आपको वो सब इंस्टॉल ना करके, वो बच्चों का काम होता है, हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें वो सब इंस्टॉल ना करके हमें वो सारी चीज़ें उधर इंस्टॉल करनी है जो हम सिक्योर रखना चाहते हैं, जो हम सेफ रखना चाहते हैं। अगर कहीं से आप लोन ले रहे हैं तो लोन ऐप वाली एप्लीकेशन आपसे लोकेशन का जो है एक्सेस मांगती है, आपसे गैलरी का एक्सेस मांगती है, आपसे आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती है। तो करना क्या है कि ज़्यादातर केसेस में ये है कि मतलब अगर आप भी यूज़ करते होंगे, यार मैं भी यूज़ करता हूँ, तो सिक्योरिटी फोल्डर में कोई भी अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करके नहीं रखता, सिक्योरिटी फोल्डर में कोई भी अपना कोई फोटोज़ नहीं रखता। अगर आप फोटोज़ रखते हैं तो फोटोज़ को थोड़ा साइड कर दीजिए, आप वहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। ऐसा इसलिए अगर वो एक्सेस मांगता है लोकेशन का या गैलरी का किसी चीज़ का, तो अगर वहाँ पे गैलरी में आपके कोई फोटोज़ ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी फोल्डर में कोई कॉन्टैक्ट नंबर सेव ही नहीं है, तो वो कॉल किसको करेंगे, वो कौन सा आपका फोटोज़ लेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फोल्डर से बाहर से जो है आपके नॉर्मल जो गैलरी वहाँ से फोटो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। सिक्योरिटी का मतलब ही क्या हुआ। ऐसे किसी स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई ट्रेड करते हैं, शेयर को लेते हैं, परचेस करते हैं, बेचते हैं, डीमैट अकाउंट है, तो उन सारे एप्लीकेशन को उधर इंस्टॉल कीजिए। ऐसा इसलिए कोई अगर हैकर भी आपके नंबर को हैक कर लेता है या फिर आपकी ईमेल आईडी को हैक कर लेता है, तो वो आपके सिक्योरिटी फोल्डर तक ना पहुंच पाए। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ईमेल आईडी हो गया, 2 फ़ोन नंबर अगर हो से अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें। और सबसे मेजर चीज़ मैं आपको ये बताऊँ, किसी भी एप्लीकेशन में अकाउंट बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो हमारा जनरली क्या होता है कि हाँ लॉगिन कर लिया, छोड़ दिया, 2 घंटे बाद फिर आए, फिर देख लिया, फिर 2 दिन बाद आए, फिर देख लिया। यार 2 से 3 सेकंड लगता है उसे लॉग आउट भी करना होता है, उसे पहले शट डाउन कीजिए, लॉग आउट कीजिए, जब आते हैं फिर दोबारा वो यूज़र आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन करके देख लीजिए। आपके 2, 4, 5, 10 हज़ार, 1,00,000, 2 करोड़ बच रहे हैं, तो भाई क्या जा रहा है, छोटा सा छोटा काम करना होता है। तो अगर सारी की सारी बातों से मेरे सहमत है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने यार दोस्तों फैमिली के साथ जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, फटाफट शेयर कीजिए, सभी के काम आने वाली है। छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा दबाइए। वीडियो में कुछ कमी लगी, कुछ जानना पूछना बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।